अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है पाकिस्तान की दीवारों पे ये आपको बड़ा बड़ा साइन लिखा हुआ नज़र आएगा और ये एक ऐसा परसेप्शन है कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है यानी ये वो नारा है जिसको इमरान ख़ान ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल किया और साइफ़र लहरा के जब उनकी गवर्नमेंट जा रही थी तो एक कागज़ लहरा के जिसको उन्होंने कहा कि ये साइफ़र है और आवाम को ये कहा कि मेरी सरकार अमेरिका गिरा रहा था तो इसलिए अमेरिका का जो यार है गद्दार है और वो गद्दार था उस वक्त इमरान ख़ान की नज़र में बाजवा जो इमरान ख़ान को सरकार में लाया था जिसके साथ इमरान खान चार साल तक एक पेज पे रहा लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान ख़ान की सरकार गिरी तो इमरान ख़ान के लिए ये एक अच्छा मौका था कि अमेरिका का एक साइफर नुमा कागज़ लहरा के वो ये कहें कि अमेरिका का जो यार है वो ग्तार है इमरान ख़ान ये नरेटिव बनाने में कामयाब हुए पाकिस्तान की हर दीवार पे लिखा होता है अमेरिका का जो यार है गद्दार है इसके बावजूद पाकिस्तान का हर शहरी अमेरिका की एम्बेसी के बाहर अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए खड़ा होता है इसके लिए अगर उसे एक महीना भी खड़ा रहने की हदायत कीजिए तो वो खड़ा रहेगा और उसके बाद वो दीवारों जा जाके लिखेगा अमेरिका का जो यार है गद्दार है वीज़ा मिल जाने के बावजूद भी और अमेरिका आ जाने के बावजूद भी और अमेरिका में रहते हुए भी अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है ये नॉर्मली पाकिस्तानियों की अक्सरीत का तरीक़ाकार है यानी जिस देश की सिटीज़नशिप मिल जाए ग्रीन कार्ड मिल जाए तो उसके साथ भी गद्दारी लाजमी है ये है माइंड सेट बहरहाल इमरान खान के सपोर्टर ने इमरान खान के लगाए हुए नारे की रोशनी में यह कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी मिस्टर डॉनल्ड लू को टारगेट किया जाए और ये बताया जाए कि डॉनल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं स्टेट डिपार्टमेंट के वो इतने ताकतवर हैं कि इमरान खान की सरकार गिरा दी वोट ऑफ़ नो कॉन्फिडेंस से नहीं गिरी थी वो असल में डॉनल्ड लू ने बाजवा को कहा बीच में हुसैन अकानी साहब भी कहीं आए थे इमरान ख़ान ने कई बार दावा किया और बाजवा ने ऐसा किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा दी और इमरान खान की सरकार तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बीच में नहीं था कुछ भी नहीं था सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की साजिश थी जिसने इमरान खान की सरकार गिराई और पाकिस्तान की अक्सरियत ने इस बात को बाय भी कर लिया और हती कि उन पाकिस्तानियों ने जो अमेरिका में रहते हैं जो अमेरिकी पाकिस्तानी है उन्होंने भी बाय कर लिया अब उन्होंने लॉबिंग करवा के डोनल्ड लू के ख़िलाफ़ एक कॉन्ग्रेसनल जो हियरिंग है वो भी करवा तो कांग्रेस मैन वेमेन इकट्ठे हुए और करीब डेढ़ घंटा से ज़्यादा जो कांग्रेस की हेयरिंग थी उस पर डोनल्ड लू से कई सवाल हुए लेकिन वहाँ पर भी मुझे यूँ लगा कि इमरान ख़ान के, के सपोर्टर ने जो एक बहुत बड़ा अपनी तरफ़ से काम कर दिखाया लॉबिंग के ज़रिए एक कॉन्ग्रेशनल हयरिंग करवाई उसके नतीजा में भी Imran Khan ko jutahi karardiya Donald Lune. This, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable uh, from the embassy here, it is not accurate. It at no point, at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan and thirdly the other person in the meeting the then ambassador of pakistan to the united states has testified to his own government that there was no conspiracy we respect the sovereignty of pakistan we respect the principle that pakistan pakistani people should be the only ones choosing their own leaders through a democratic process mr chairman we are grateful that you are holding this hearing today for us to talk about that process thank you और उसके बाद सोशल मीडिया पे इमरान खान के जो सपोर्टर है वो चीख रहे हैं चला रहे हैं कि डोनाल्ड लू तुम झूठे हो तुम झूठे हो या नहीं? इंटरेस्टिंग बात ये है वो सब के सब डोनाल्ड लू से ये तो करते थे कि वो कॉन्ग्रेशनल हेरिंग में वहाँ पे ये कहें कि हाँ इमरान खान ने जो कहा था वो सच कहा था हालांकि उसी हयरिंग के हवाले से उस वक्त के पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो पाकिस्तान की सरकार को एक टेस्टमोनी देकर भी कह चुके हैं कि ऐसी बात या इस लेवल की बात नहीं थी कि एक असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट का इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा सकता था या गिराना चाहता था लेकिन पॉलिटिकल जोखरी की एक इंतहा है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बसने वाले पाकिस्तानियों के अंदर बल्कि वो पाकिस्तानी जो अक्सरियत में है इमरान खान के सपोर्टर्स की सूरत में जो अमरीका में बसते हैं यहाँ पर मैं ी तौर पर इमरान ख़ान की मुखालफत या हमायत की बात नहीं कर रहा मेरा पाकिस्तान की किसी पोलिटिकल पार्टी की हमायत या मुखालफत से कोई सरोकार नहीं है लेकिन एक हंसी वाली बात है एक जोकरी वाली बात है जो हम सब के सामने आती है कि वही अमरीका जो गद्दार है जो साजिशी है जिसने इमरान खान की सरकार गिराई और उसी अमेरिका के पाकिस्तानी शहरी जो इमरान खान के सपोर्टर हैं उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि इमरान खान को रिहा भी करवाया जाए और इमरान ख़ान की मदद भी की जाए वो एक एक ऐसे लफ्स की या जुमले की तलाश में होते हैं जिसमें अमेरिकी अमरीकी की तरफ से या अमरीकी पॉलिटिशन की तरफ से कोई बात भी सिंपती टूवर्ड्स इमरान ख़ान और उनकी पार्टी निकल आए ताकि वो मोहरे लगा सकें हमायत की इमरान ख़ान के लिए कि जनाब देखिए अमरीकियों ने हमें इंडोर्स कर दिया हमारे मौक़ को हमारे बयानी को इंडोर्स कर दिया वो अमरीका जिससे ग़ुलामी की जंजीरें इमरान ख़ान तोड़ना चाहते हैं और जिनसे हकीकी आज़ादी लेना चाहते हैं हकीकी आज़ादी का नारा इमरान ख़ान के लबों पर सुबह शाम रहता था जेल जाने से पहले जेल से आने के बाद भी वो फिर वही राग अलापेंगे लेकिन हकीकी आज़ादी भी चाहिए अमेरिका से और अमेरिका से एंडोर्समेंट भी चाहिए और ये काम ख़ुद पाकिस्तानी अमेरिकन कर रहे हैं जो बहरहाल अब अमरीकी हैं अमरीका में रहते हैं उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इंटरेस्ट है जो लॉयल्टी है वो अमरीका के साथ होनी चाहिए लेकिन वो ना अमरीका के साथ है और ना उनके सो so कॉल्ड पाकिस्तान के साथ है बस सिर्फ इमरान खान के साथ है You you बहरहाल इमरान खान के लिए जो इमरान खान के सपोर्टर्स ने एक बहुत बड़ा इवेंट अमेरिका में अरेंज किया वो इवेंट भी मैं तो जाति तौर पर यही समझता हूँ उनके ही गले पड़ गया क्योंकि उस इवेंट में जिस शख्स को वो कांग्रेस कमेटी में लाने में कामयाब हुए थे उसी शख्स ने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने कह दिया कि इमरान ख़ान झूठा था अब इमरान ख़ान को झूठा करार देने पर इमरान ख़ान के तीन चार सपोर्टर्स ने पीछे से नारे लगाए और जो टेलीविज़न की स्क्रीनों ने देखा कि उनमें दो पाकिस्तानी थे और एक अमेरिकी खातून थी उन तीनों को कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन ने कमरे से बाहर निकाल और ये कह कर निकाला कि इनको आइंदा कभी भी इस कमेटी में आने ना दिया जाए और वो वहां पे क्या नारे लगा रहे थे कि इमरान खान को रिहा करो जैसे उस कमेटी ने इमरान खान को रिहा करना था और वो कह रहे थे कि इमरान खान की हमें बहुत जरूरत है यानी उस कमेटी को जरूरत थी उस कमेटी को ये बावर करा रहे हैं जिस कमेटी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं सिर्फ एक हेयरिंग कर रही है वो कमेटी और उसमें कुछ कांग्रेस मैन एंड वुमेन हैं मगर वो उनसे ये तो कर रहे हैं उनसे अपीलें कर रहे हैं इमरान ख़ान के वो सपोर्टर उनसे अपीलें कर रहे हैं जो अमेरिका को हकीकी आज़ादी के खिलाफ समझते हैं हकीकी आज़ादी के खिलाफ समझते हुए उसे ालम करार देते हैं और उसी अमेरिका से वो ये मुतालबा कर रहे हैं और वो कांग्रेस कमेटी इस पोजीशन में ही नहीं कि रिहा कर सकें बहरहाल ये है पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट जो काफ़ी फनी है और उसने आ, मेरा ख़्याल है कि इस कार्रवाई से ना सिर्फ अपने आप को मौकरी का निशाना बनाया बल्कि पाकिस्तान को भी मौकरी का निशाना बना दिया डोनाल्ड लू को वहाँ पे ला के पाकिस्तान से मुतला सारी बातें करवा ली वहाँ पर एक कांग्रेसमैन ब्रेड शेयरमैन भी थे मैं उनको ज़ाती तौर पर मिल चुका हूँ कुछ साल पहले मैंने उनका एक आ, वीडियो बाइट भी लिया था इश्यूज़ पे। और ब्रेड शेयरमैन काफ़ी पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल हैं उनको पाकिस्तान का काफ़ी पता है उन्होंने पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम बच्चियों के कन्वर्जन की बात भी कर दी और एक अहम नुकता उठाया उन्होंने कहा कि जो मिस्टर आफरीदी थे जिन्होंने उसामा बिन लादन का पता अमेरिकन को दिया था उन्होंने यहाँ तक कहा कि बेशक आफिया सदीकी को पाकिस्तान के हवाले कर दें यानी वो ये कहना चाहते थे कि हमें इनकी क्या ज़रूरत पड़ी हुई है और हमें आफरीदी दे दें शकील आफरीदी एक कारमद आदमी है जिन्होंने अमरीका के लिए एक अहम काम किया था अमरीका के सबसे बड़े वांटेड uh, टेररिस्ट उसामा बिन लादन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी अमेरिकन को तो वो ये कहते हैं कि भाई चलिए ये ट्रेड इन कर ले तो वो जो डोनल्ड लू के लिए एक स्टेज सजाया था इमरान खान के सपोर्टर्स में उसमें ब्रेड चेयरमैन ने ये एक इम्पॉर्टेंट बात कर दी ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ये कहा कि भाई इमरान खान को अमरीकी एम्बेसडर जाके मिले The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned uh, through selective prosecution. I yield back. And the Pakistani people who are in the country, they are saying that it is very that Imran Khan, the American ambassador in Pakistan, jail in jail. And it is not khabar. इतना बड़ा वाकया है इतनी बड़ी मुबारकबाद की बात है कि इमरान ख़ान को अमरीकी अम्बेसडर इन पाकिस्तान जेल में मिलने जाएगा और इमरान ख़ान तो कहते हैं मैंने अमरीका से हकीकी आज़ादी लेनी है लेकिन इमरान ख़ान को अमरीकी अम्बेसडर जेल में मिलने जाएगा भाई इससे ज़्यादा मुबारकबाद की क्या बात हो सकती है इससे ज़्यादा ख़ुशी की क्या बात हो सकती है कि जिससे हकीकी आज़ादी लेनी है जिससे गुलामी की जंजीरें तोड़नी है उसी का एम्बेसडर इमरान खान को मिलने जाएगा जेल में तो अमरीकी पाकिस्तानी जो इमरान खान के सपोर्टर हैं उनके लिए इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है दूसरी बड़ी खबर जो उनको इस कांग्रेस कमेटी की हरिंग से मिली वो ये है कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के इलेक्शंस थे उसमें कुछ बेजाबतगियाँ हुई थी अब वो ये बात करते हैं डोनल्ड लू भी और दूसरे लोग भी कि कुछ बेजाबतगियाँ हुई हैं तो ये भी बहुत बड़ी खबर है यानी पाकिस्तान में तो किसी को पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी खबर कि वहाँ पे कुछ बेजाबतगियाँ हुई हैं बल्कि बहुत ज्यादा बेजाबतगियाँ हुई हैं और पहली बार हुई हैं शायद पाकिस्तान के किसी इलेक्शन में इमरान खान को जब सीट पे बिठाया था बाजवा ने तब कोई बेज़तगियाँ नहीं थी उससे पहले के जो इलेक्शन चले आ रहे हैं तब कोई बेज़तगियाँ नहीं थी बेजाप्तगियाँ अगर हुई हैं तो दो हजार चौबीस आठ फरवरी के इलेक्शन में हुई वो तो हमें भी लग रहा है कि बेज़तगियाँ हुई थी मगर अमरीका की कांग्रेस कमेटी से ये ठप्पा लगवा लेना ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है अच्छा मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये पाकिस्तानी अमेरिकन जो दहाइयों से रह रहे हैं अमेरिका में इनको पता नहीं है कि अमेरिका का पाकिस्तान पर कोई लीवरेज नहीं रहा ज्यादा से ज्यादा आईएमएफ का एक लीवरेज है कि आईएमएफ का पैसा जाता है आई भी मुकम्मल तौर पर अमरीकी बैंक नहीं है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है ठीक है उसमें अमेरिका का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वी अंडरस्टैंड मगर वो भी तो पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है पाकिस्तान उसके शकंजे में और चला जा रहा है और अपनी हमाकतों की वजह से चला जा रहा है और इमरान ख़ान ने तो यहाँ तक कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे आई एम एफ के पास नहीं जाएंगे तो फिर आई एम एफ से बचाना चाहते हैं इमरान खान के सपोर्टर पाकिस्तान को तो ये तो इमरान खान का ख्वाब उठा कि भाई हम आई uh, एम एफ़ के शिकंजे से पाकिस्तान को बचाएं खैर मेरी तो ये बहस भी नहीं है कि आई एम एफ़ पाकिस्तान के लिए शिकंजा है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है जितना मैस पाकिस्तान ने अब तक किया है तमाम हुकूमतों ने आर्मी की तमाम uh, जो वहाँ पर कड़ियाँ रहीं उन सब ने जो किया है उतना मैस उसके बाद तो ज़ाहिर है आई एम एफ़ की शिकंजे से बाहर नहीं निकल सकेंगे जिसको आप शिकंजा कहते हैं मैं तो उसको शिकंजा नहीं कहता मैं तो एक uh, वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ जो आपको पैसे दे सकता है दे देता है और आपकी जरूरत है आप उसके बगैर मरे जाते हैं चाहे इमरान खान की सरकार थी चाहे कोई भी सरकार हो चाहे ये मौजूदा सरकार हो तो ये जो माइंड सेट है कि ये अमरीका से हम ठप्पा लगा लेंगे उसी अमरीका से हम इंडोर्समेंट ले लेंगे जिस अमरीका से हमने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ना है जिस अमरीका से हमने हकीकी आज़ादी हासिल करना है तो ये है इमरान खान और उनके साथियों का बिहेवियर तो उसके बाद कोई उम्मीद रहती है कि इमरान खान और उनके साथी पाकिस्तान में वाकई हकीकी आजादी चाहते हैं या कोई अक्ल शौर की बात उनमें है सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए डोनल्ड लू की आ, तरदीद के बाद जो डोनल्ड लू के खिलाफ आ, बातें कर रहे हैं इसीलिए लू ने यह तक वाजे किया कांग्रेस की कमेटी में कि भाई उनकी जान को उनकी फैमिली की जान को ख़तरे ये धमकियां देते हैं तो ये तो इनका स्टाइल है और मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा ये बाकी पाकिस्तानियों का भी उन्नीस बीस के फर्क के साथ यही मामला है उनका भी यही नारा है उनका भी यही, है। उनका भी यही ख्याल है अमरीका का जो यार है गद्दार है अमरीका के वीज़े लेने के लिए सारे बाहर खड़े होंगे चाहे आम आदमी हो चाहे ख़ास आदमी हो पाकिस्तान का तो इस सारी सूरत हाल में जब डॉनल्ड लू से पाकिस्तान आर्मी के साथ अमरीकीियों के रिश्तों नातों की बात पूछी तो उन्होंने कहा हमारे तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं क्योंकि हम तो मुशतरका कॉमन जो है वो अपनी मशक़े में करते रहे और ये रियालिटी है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है एक प्रोफेशनल आर्मी है अमरीकी जाहिर है पाकिस्तान आर्मी को प्रोफेशनल आर्मी ही कहेंगे ना दुनिया की छठी आर्मी है उनकी उनको ज़रूरत बहुत रहती थी अब भी कहीं पढ़ सकती है लेकिन यह उन्होंने कह दिया अपने जमहूरी पर्पज़ के लिए कि हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आर्मी सदर पाकिस्तान की मर्ज़ी के मुताबिक चलनी चाहिए और उनके ही आ, कंट्रोल में होनी चाहिए यानी आज कल सदर पाकिस्तान आसफ़ अली जरदारी है तो ये ठप्पा लगा दिया उन्होंने एंडोर्समेंट दे दी आसफ अली जरदारी साहब को मुँ... मैं मुबारकबाद देता हूँ पी टी आई को कि उन्होंने ये जो रिस्पांसिबिलिटी आसफ़ अली जरदारी साहब की है उस पर ठप्पा हासिल कर लिया है तो ये सिचुएशन है पाकिस्तानी माइंड की जो इस वक्त ज़्यादातर इमरान ख़ान के सपोर्टर्स की सूरत में मौजूद है और आ, वो अजीब व गरीब बातें करते हैं उसी अमरीका के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं जिससे इमरान खान की रिलीज़ की दरखास्तें भी की जाती हैं ये सोचे समझे बग़ैर कि अमरीक का अब कोई लेवरेज नहीं कोई पोजीशन नहीं कि वो इमरान ख़ान को आर्मी के शिकंजे से निकाल सके हाँ इमरान ख़ान आर्मी के शिकंजे से निकल आएंगे हमें भी लगता है वो इसलिए निकलेंगे कि आर्मी जब उनको फिर इस्तेमाल करना चाहेगी इमरान खान को रिलीज़ कर देगी फिर से ज़ीरो से हीरो बना देगी और फिर उसको इकतदार दे देगी ये कौन सी पाकिस्तान में नई बात होगी तो ये जो पाकिस्तान का एक रवैया है कि अमेरिका का जो यार है क़तार है ये मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि आप इस रवैये को कायम दायम रखें और अमेरिकी एम्बेसी के बाहर लाइनें लगा कर खड़े रहें एक ना एक दिन किसी ना किसी को तो वीज़ा मिल ही जाएगा एट लीस्ट अमेरिका के एम्बेसडर इमरान खान से जाके जेल में तो मिल ही लेंगे होपफुली हो सकता है कि वो टाइम ना निकालें लेकिन अगर वो मिल लेंगे तो आपको अमेरिका से हकीकी आज़ादी मिल जाएगी Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.